देखिए, अभी हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 55 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, और आरआरबी जेई के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब रेलवे ने जेईएससी एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट रिलेशन से रिलेटेड होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप दो चीज़ें रख सकते हैं, या तो जनरेटर के लिए अप्लाई होगा या मोटर के लिए अप्लाई होगा। एक राइट हैंड रूल होता है, एक लेफ्ट हैंड रूल होता है। अब राइट हैंड रूल किसके लिए अप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए अप्लाई होगा? देखिए, जो राइट हैंड रूल है, मतलब कि आपका जी पहले आ रहा है, राइट हैंड पहले आ रहा है, मतलब कि आप ऐसे याद रह सकते हैं कि राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के लिए अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के लिए अप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। राइट हाथ आपको पहले ज़्यादातर यूज करते हैं, तो इसलिए जनरेटर जी पहले आता है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। फिर तीसरा है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में आप देखिए, अल्टरनेटर में क्या होगा, अल्टरनेटर जो है एक तरीके से एसी जनरेटर होता है, एसी को जनरेट करने का काम करता है अल्टरनेटर। और कूलाम का जो नियम है, ये कूलाम का नियम किसके लिए यूज होता है? कैपेसिटर के लिए यूज होता है कूलाम का नियम। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें चार कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चन में, तो चारों हमने देखे। अभी देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन ये है। 10 रजिस्टर हैं 10 ओम के, वो सब के सब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 1 ओम बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि 10 प्रतिरोध रेजिस्टेंस है और सब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो प्रतिरोधों की संख्या गवा देते हैं, जो प्रतिरोध का मान है। जैसे प्रतिरोध का मान 10 है, और 10 ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58। क्वेश्चन किस टाइप का है? देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से है, प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है, मतलब रेजिस्टिविटी की इकाई। रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? मेहो रेजिस्टिविटी की इकाई होती है, रेजिस्टिविटी है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 1/2 कंडक्टिविटी से भी डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को, वो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है 1/2 कंडक्टिविटी से भी नोट करते हैं। और रेजिस्टिविटी है, वैसे तो इसकी ओम होती है यूनिट, और जो हमारी होती है कंडक्टिविटी, उसकी मेहो होती है। रेजिस्टेंस ओम में डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू रो एल वाई ए, इससे हम डिनोट करते हैं। ए हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, तो रो की वैल्यू क्या होती है? आर इन टू एल वाई ए, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल हो जाता है। आर हमारा ओम पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ओम पर मीटर आ जाएगी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ओम पर मीटर। तो ओम पर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर। यानी कि आप कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आप या रजिस्टर मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे? तो देखिए, आप कोई भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उस इस तरीके का मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशेंट और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, मतलब तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध है वो बहुत कम, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा, मतलब तापमान आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस अब बहुत कम चेंज होगा, बहुत कम ही उसमें परिवर्तन आएगा तापमान बढ़ाने पर। तो ये कोंकण रेलवे टीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वायर हैं ए और बी, सेम मटेरियल के हैं लेकिन उनकी लेंथ जो है अलग अलग है। ठीक है, एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2L है, एल है 12 है, और उनकी रेडियस भी आर और 2R है। उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इंटू ए डिवाइड बाई एल होता है। ठीक है, एरिया आप देखिए, यहाँ पर पहले जो लेंथ है, पहले लेंथ मान लो एल है, दूसरे की 2L है, पहले का आर रेजिस्टेंस रेडियस है, तो आर रेडियस है तो आर ऊपर आएगा, दूसरे का 2R रेडियस है मतलब 2R ऊपर आएगा। तो देखिए, फाइनली दो से कैंसिल आउट हो जाए, आर बाई एल आर बाई एल, मतलब कि बन पात बनी आंसर रहने वाला है। ठीक है,
जो रेजिस्टिविटी है, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई धातु या मटेरियल का वह गुण होता है जो कि पदार्थ के कंपोजिशन और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार का मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया है, जो मटेरियल यूज़ किया है उसका कंपोजिशन क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है, इस पर निर्भर करेगा। इसलिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, जो चालक होता उसका प्रतिरोध बदलता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, बदलता है। अगर आप मटेरियल में लेंथ अलग लेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शनल अलग लेंगे, तो उससे चालक का प्रतिरोध बदलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये RRB मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ को कौन सा कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओम्स लॉ में लीनियर कर्व होता है, ठीक है। लीनियर सर्किट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है क्योंकि तो इसमें आई के बी बराबर बी डिवाइड बाई आई है वो कांस्टेंट रहता है, वो रेजिस्टेंस के लिए होता है, और आई की वैल्यू वी आर जो होती है, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, ये लीनियर होता है रिलेशन। तो ये RRB इलाहाबाद के अंदर पूछा गया है, SSC एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, ये 61 नंबर क्वेश्चन हो गया, 62 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल वाई ए। तो ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है क्या, नहीं। कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल का कंपोजिशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ये तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इन टू ए डिवाइड बाई एल से हम डिनोट करते हैं, और ये कंडक्टर के जिस पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि कंडक्टिंग कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका कंपोजिशन क्या है और फिर उसके टेम्परेचर क्या है, मतलब उसका टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइट बल्ब है जो 300 मिली एम्पियर ड्रॉ कर रहा है करंट, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब, लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 300 मिली एम्पियर, मतलब करंट दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डिवाइड बाई आई, बी हमारा 240 है और आई हमारा कितना है 300 मिली एम्पियर, मतलब 300 मिली एम्पियर है तो 10 की पावर -3, तो 3 हो जाएगा पूरा ऊपर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो मतलब 2400, 800 बचेगा, 800 ओम आंसर आ जाएगा, 800 ओम हमारा आंसर है प्रॉपर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। विच पार्टिकल एक्ट एज ए करेंट कैरियर इन मेटालिक कंडक्टर, कौन सा पार्टिकल है जो कि मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर का काम करता है। तो देखिए मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर का काम जो है वो इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन ही ऐसा तत्व होता है जो कोई भी आपका मेटल कंडक्टर है उसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ले जाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की जो गतियां उपलब्ध होती हैं, एक तो चक्रण गति होती है और एक होती है कक्षीय गति, एंगुलर स्पीड, और एक है रोटेशनल स्पीड, मतलब चक्रण गति। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन करते हैं ओनली। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो मेटल्स के अंदर, मेटल जो कंडक्टर हैं उनके अंदर करंट कैरियर का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
जैसे कि आपको कौन सी डिस्क्रिप्शन है वो लार्जेस्ट साइज कम रजिस्टर के बारे में बता रही है वो बताना है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार्जेस्ट साइज रजिस्टर जो है गोरखपुर SSC एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लार्जेस्ट साइज का रजिस्टर कौन सा है। सभी के जो मटेरियल है वो समान है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, जिस रेजिस्टेंस की वाटेज रेटिंग है वो ज़्यादा होगी उसका आकार यहाँ पर बड़ा होता है। कौन सा सबसे बड़े आकार के प्रतिरोध का मान है, मतलब लार्जेस्ट साइज क्या है, जिसकी वाट ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। वाटेज रेटिंग अधिक होने पर रेजिस्टेंस क्या है अधिक पावर लॉस करता है, तो उसका आकार बड़ा रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 ओम 100 वाट का पावर है, मतलब 10 ओम 100 वाट का रेजिस्टेंस है, इसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो पावर आप ऐसे निकाल सकते हैं, पावर V² डिवाइड बाई R कहते हैं, और पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है जितनी ज़्यादा पावर होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, लेकिन उसका आकार बड़ा हमें रखना पड़ेगा। तो जिसकी ज़्यादा वाटेज रेटिंग होगी उसका आकार हमें बड़ा रखना पड़ेगा, साइज हमें बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66। देखिए, थर्मिस्टर हैज टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टर, मतलब थर्मिस्टर के अंदर टेम्परेचर कॉफिशियंट रेजिस्टेंस है वो किस टाइप का होता है। पहली बात तो थर्मिस्टर के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब आप तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे कि आपका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही आप कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, तो वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध का मान घट रहा है, तो उसका तापमान गुणांक है वो ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट कहलाएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है। और जैसे ही आप कोई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस का मान घट रहा है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट रहेगा। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, जर्मेनियम है, ग्लास है, माइका है, रबर है, तो तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध न बढ़ता है न घटता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, उनका तापमान गुणांक है वो शून्य रहता है, मतलब टेम्परेचर कॉफिशेंट है वो जीरो रहता है। ऐसे मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये क्या है, इनका टेम्परेचर कॉफिशेंट है वो जीरो रहता है। तो इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव किस किस का होता है, नेगेटिव किसका होता है, पॉजिटिव होता है कंडक्टर का, नेगेटिव होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जर्मेनियम, ग्लास, इस तरीके के मटेरियल जो होते हैं उनका होता है माइका, रबर, और शून्य किसका होता है, जैसे यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब के वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। अब क्यों टंगस्टन के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, इस वजह से जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब के वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। तो टंगस्टन का यूज हम फिलामेंट के रूप में करते हैं, और टेम्परेचर कोफिशियंट है इसका लो रहता है, टंगस्टन का क्या रहता है, लो रहता है टेम्परेचर कोफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू अनादर बाई मीन ऑफ कंडक्शन, मतलब कंडक्शन से आपको हीट ट्रांसफर करनी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए,
तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, मेन इंपॉर्टेंट। पहली, बॉडी मस्ट बी सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगी नहीं हीट। दूसरा, बॉडी मेटालिक होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए वैसे। वन बॉडी मस्ट बी मेटल, एक बॉडी मेटल होनी चाहिए, एक लकड़ी होगी तो ट्रांसफर कैसे होगा, नहीं होगा। दोनों बॉडी है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि कंडक्शन के लिए तो कंडक्टर तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हीट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। एक बॉडी मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर आराम से, ये हीट है 50 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की साइड आराम से मूव कर जाएगी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेई के अंदर पूछा गया है, आरआरबी जेई के अंदर, मुंबई के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, करंट आपको दे रखी है 18 एम्पियर, जो कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है हाफ मिनट के लिए। 18 एम्पियर आपकी फ्लो हो रही है कंडक्टर के अंदर, लेकिन टाइम क्या है, हाफ मिनट के लिए, मतलब 30 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है। टोटल चार्ज फ्लोन विद इन द कंडक्टर इन सेम टाइम, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, यही होता है। आई हमारे पास क्या है, 18 एम्पियर, और टी क्या है, सेकंड में, सेकंड में 30 सेकंड है ये, 18 54 मतलब 540 क्यू की वैल्यू आ रही है, तो 540 सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, टोटल चार्ज फ्लोन विद इन द कंडक्टर इन सेम टाइम, तो वो है 540 सी, 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या है क्वेश्चन, देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन है, निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो वैसे तो इसका एसआई मात्रक जो होता है सी स्क्वायर डिवाइड बाई एनएम स्क्वायर है, लेकिन कैसे निकालते हैं इसको, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब होता है ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट को कैसे निकालते हैं। देखिए फोर्स आपका होता है क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर। अब आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई एफ इंटू डी स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू मतलब सी का स्क्वायर हो गया, सी का स्क्वायर तो 2 में आ रहा है, ये 2 तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। फोर्स न्यूटन होता है, और ये डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर होगा, एम तो होगा नहीं, मीटर स्क्वायर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम इससे ही पकड़ लेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी है, कौन से मटेरियल की है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हाईएस्ट जो वैल्यू है वो सेरेमिक की है, हाईएस्ट वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब दो तरह के हमारे पास पैरामीटर होते हैं यहाँ पर, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक जो एयर होती है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पर 30। पेपर, पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 400। पैराफिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 2.25, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 350। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 6 है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक होता है 8, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 1000। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। मतलब
ये जो स्टेटमेंट है, रूल का स्टेटमेंट है, वो कौन से रूल में दिया गया है? तो देखिए, ये जो रूल है वो गॉस के नियम में बताया गया है। गॉस के नियम में क्या बताया गया है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डी, सरफेस इंटीग्रल होता है ओवर एनी क्लोज सरफेस, वो इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस, मतलब उस क्लोज सरफेस के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा तो उसके इक्वल रहेगा वो। तो ये गॉस के लॉ में बताया गया है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका जो इनक्लोज सरफेस है वो, उसको कैसे दिखा सकते हैं आप गॉस के लॉ में? इनक्लोज सरफेस ये हो गया ई इंटू एरिया, ठीक है, ये इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई ई नॉट। ये गॉस का नियम है कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ये गॉस का नियम है, ई इंटू डी क्यू बाई ई नॉट। तो फ्लक्स का मान है पृष्ठ के भीतर, आवेश पर निर्भर करता है, जो भी आपका फ्लक्स का मान है वो कितना आवेश है क्लोज पाथ के भीतर, उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास कि पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर इज, हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो आपका क्या रहता है, सेम ऑन सरफेस, मतलब जो सरफेस पे रहता है वही हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल रहता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जो ई की वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी बाई डी टी, इसके इक्वल रहती है। और गोले के अंदर अगर बाहर आर दूरी पर स्थित विभव का जो मान होता है, वी की वैल्यू होती है, वो होती है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर। और गोले के अंदर हम देखें, गोले के अंदर जो वैल्यू है वोल्टेज की वो तो जीरो होती है, पोटेंशियल इनसाइड तो अंदर की साइड तो जीरो होती है, लेकिन सरफेस पर तो क्या रहेगी? सरफेस पर तो वही रहेगी, आर की वैल्यू है वो आर के इक्विवेलेंट रहती है सरफेस पर, तो डिस्टेंस जो रहेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी वैल्यू वही रहने वाली है, सेम एज ऑन दी सरफेस, मतलब गोले के अंदर जो पोटेंशियल रहता है वो उतना ही रहता है जितना सरफेस पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 क्वेश्चन। बैटरी की क्षमता आप किस में नापते हैं? एम्पियर आवर में बैटरी, जैसे कि एम ए एच की बैटरी होती है, ए एच बोलते हैं ना, एम ए एच बैटरी, तो बैटरी की जो क्षमता है एम्पियर आवर में नापते हैं हम। जितनी ज़्यादा एम्पियर आवर होगी बैटरी की, उतनी ही ज़्यादा क्षमता की बैटरी हम उसको मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75। देखिए, ये क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड है, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो फार्मूला क्या है मोबिलिटी का? मोबिलिटी का फार्मूला है वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और यूनिट होती है मोबिलिटी की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वोल्ट पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायमेंशन जो होती है कंडक्टेंस की वो क्या होती है? देखिए, कंडक्टेंस
कंडक्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो यहाँ पर होती है एम की पावर -1, की पावर -2, टी की पावर 3 और आई स्क्वायर, ये कंडक्टेंस की डायमेंशन होती है। कैसे निकालते हैं? देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो होता है बन डिवाइड बाई आर, ठीक है, और आर क्या होता है? बन डिवाइड बाई बी बाई आई, मतलब आई ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला जाएगा। आई ऊपर चला गया मतलब एक बार आई तो आ गया। अब ये जो बी है वो क्या होता है? डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू से क्यू इंटू आई हो जाएगा और डिवाइड बाई डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्यू होता है आई इंटू टू, तो ये 2 बार आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इंटू टी, और डब्ल्यू जो है वो तो आपका डब्ल्यू ही रहेगा, आई स्क्वायर टी इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। अब आई स्क्वायर टी इंटू डब्ल्यू से हम देखें, आई स्क्वायर टी तो आ ही रहा है, डब्ल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है वर्क यूनिट, क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये टी ऊपर जाएगा तो टी बन जाएगा ओनली, तो टी की पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम की पावर -1, एल की पावर -2, आई स्क्वायर और टी की पावर 3, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, आई स्क्वायर टी की पावर -3। तो कौन सा हो गया? एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 3, आई स्क्वायर। ये हमारा हो गया डायमेंशन, हो गया कंडक्टेंस के लिए। तो कंडक्टेंस की डायमेंशन हम इस तरीके से निकाल लेंगे अगर हमें पता नहीं है। फिर पता होना चाहिए किसकी? हमें वर्क की यहाँ पर पता होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है वर्क का डायमेंशन, और फिर उससे हम निकाल लेंगे। तो डायमेंशंस के क्वेश्चन हैं, आते ही आते हैं, तो इनको आप दो चार डायमेंशन हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनकी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता नहीं है, ये तो गलत है। यहाँ पर हम देखें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एल वाई ए नीचे आ रहा है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, अगला स्टेटमेंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर अप्लाइड ऑन दी कंडक्टर, प्रेशर का कोई कनेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, ये सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आर इक्वल टू रो एल बाई ए से देते हैं, ए यहाँ पर नीचे आ रहा है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मेटेरियल की कंडक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल किस तरीके का यूज कर रहे हैं आप उस पर डिपेंड करता है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए वोल्टेज है वो सेम रहता है सारे रेजिस्टेंस का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर समान रहेगा, जबकि अगर सीरीज रहेगा तो वोल्टेज है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज अलग हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग वोल्टेज वहाँ पर चेंज रहता है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 79 क्वेश्चन, देखिए हीट डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर 15 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी हीट डिसिपेटेड होगी, 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस के थ्रू, 8 सेकंड तक करंट फ्लो हो रही है, तो हीट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हीट जो होता है वो उसको हम निकालते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी से, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.5 एम्पीयर, 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 हो गया, इंटू आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 15 ओम, इंटू टी टाइम की वैल्यू क्या है 8 सेकेंड, तो 15 इंटू 120, 120 इंटू 25 0.25, 0 25 50 ऐसे लगे 5 25 से 5 30, मतलब 2 अंक छोड़ के 30 आ जाएगी वैल्यू आपकी, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा,
आरआरबी मुंबई जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब आप किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हीट निकालने का फार्मूला रेजिस्टेंस के अंदर ये है, आई स्क्वायर आर एन टू टी, तो सिंपल फार्मूला है, तो पता रहेगा तो आप आराम से हीट निकाल सकते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, यहाँ पर वैसे सारा कुछ दिया हुआ है मटेरियल वगैरह, ये तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 20 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम वायर है, उसका रेजिस्टेंस बनाया गया है 30 ओम, उसका रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस रखा 30 ओम है, टेम्परेचर कॉफिशियंट रेजिस्टेंस का 0.00305 पर डिग्री सेल्सियस है, अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का 30 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 20 डिग्री पर रेजिस्टेंस दे रखा है, 30 डिग्री पर रेजिस्टेंस पूछा है और टेम्परेचर कॉफिशियंट दे रखा है 0.00, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट दे रखा है। तो पहले तो आपको ये फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, जब इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो फार्मूला है आर टी टू, मतलब सेकेंड टाइम पे जो सिचुएशन है टेम्परेचर की, इक्वल टू आर टी वन, वन प्लस एल्फा टाइम डेल्टा टी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर डेल्टी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, मतलब कि टेम्परेचर जो चेंज है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री से 20 डिग्री हो रहा है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस आपकी डेल्टी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आर 30 पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आर 20 पे कितना दे रखा है, आर 20 पे दे रखा 30 ओम, ठीक है, वन प्लस एल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.00305 और डेल्टी की वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 30 से जस्ट ऊपर होगा, 30 से 1 प्लस 1 में थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा, मतलब 31 ओम के आसपास इसका आंसर होगा, तो 31 ओम हमारा आंसर रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरआरबी मुंबई के द्वारा ही पूछा गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में, रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर 31 आ जाएगा आंसर, वैसे 31 दे रखा होगा कहीं पे ऑप्शन में, ये 31 दे रखा है बी ऑप्शन में, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑन विच सप्लाई डज द एप्लीकेंस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क, मतलब कि कौन सी सप्लाई में जो आपके उपकरण हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, तो कौन सी सप्लाई में ये काम करते हैं, तो वो रहती है हमारी एसी और डीसी दोनों में हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं हमारे जो क्या है एप्लीकेंस है, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हीट होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के जो टेम्परेचर इफेक्ट है वो अलग अलग उपकरणों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, दोनों में पड़ता है, वो एसी हो या डीसी हो दोनों में पड़ेगा, जैसे कि विद्युत हीटर है वो हीटिंग इफेक्ट पर होता है, और हीटर में हम क्या है एसी और डीसी दोनों का उपयोग करते हैं, तो एक एग्जाम्पल हम ले लिए हीटर हैं और डीसी भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ओवन है, ओवन में हम एसी और डीसी दोनों का यूज करते हैं और दोनों हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं ओवन, और विद्युत हीटिंग भी एसी और डीसी पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर निकालना है जब करंट रजिस्टर के अंदर फ्लो हो रही है 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 40, तो 40 में 2 का भाग देंगे 20 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट रजिस्टेंस, क्योंकि तो वोल्टेज दे रखा है करंट दे रखा है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, रजिस्टेंस हमारा 20 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, देखिए एक फैक्ट्री है जो कि 4 शिफ्टों में काम करती है 6 घंटे के लिए, और प्रत्येक शिफ्ट में वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा ताकि हम इधर सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को अच्छे से, तो यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं,
थोड़ा सा, तो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक फैक्ट्री है जो कि 4 शिफ्ट में काम कर रही है, 4 शिफ्ट 6 घंटे काम करती है प्रत्येक, और ये कंज्यूम करती है 36, 86, 50 और 20 शिफ्ट। प्रत्येक शिफ्ट में ये इतना कंज्यूम कर रही है, 36, 86, 50 और 20। तो 36, 86, 50, 20 को जोड़ देंगे हम, 36, 86, 50, 20, टोटल के डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास, कितना कंज्यूम कर रही है, 192 किलोवाट ही कंज्यूम कर रही है। अब ये दे रखा है कि 4 शिफ्ट है, 6 घंटे प्रत्येक शिफ्ट चलती है, तो ये जो 192 आई है 1 घंटे की आई है। कैलकुलेट दी एनर्जी कंज्यूम बाई फैक्ट्री पर डे, पर डे कितनी कंज्यूम करेगी। तो 6 6 घंटे की 4 शिफ्ट है, ठीक है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दुनी 12 आंसर लगे 1, 9 6 54 और 55 आंसर लगे 5, 4 5 11, 1152 डब्ल्यू एच आ जाएगी हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि 6 आवर चल रही है प्रत्येक शिफ्ट, 4 शिफ्ट है, चारों शिफ्टों की जरा अलग। ठीक है, अब ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए कौन कौन सिस्टम में देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन दैट द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन R1, R2, R3 है, इसमें 3 ओम है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये कितना हो रहा है 6 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 6 ओम है वो लार्जर है किससे, लार्जर रेजिस्टेंस से, मतलब 3 ओम से भी बड़ा है ये, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन दैट द लार्जेस्ट का रेजिस्टेंस, तो स्मॉलर तो है नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, RRB मुंबई के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो इनकैंडेसेंट लैंप, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 40 वाट का 60 वाट का है, जो कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है 230 वाट की सप्लाई से, दोनों लैंप है, कौन सा ज़्यादा फास्ट ग्लो करेगा। तो 40 वाट का है, ज़्यादा फास्ट ग्लो करेगा, मतलब तो कम वाट का रहेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि तो जो पावर होती है वो होती है V² / R। इसका मतलब ये कम वाट है, तो इसका मतलब क्या है, कम वाट है तो रेजिस्टेंस में ज़्यादा होगा, मतलब कि पहले वाले में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, R1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो धारा का मान तो समान रहेगा, इसका मतलब इसके अंदर हीट ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि किसी बल्ब में जो पावर लॉस होता है I² * R होता है। अब करंट दोनों में सेम है तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, तो दोनों में से एक हो सकता है, पावर रेटिंग है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, या तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या जिसकी पावर रेटिंग कम हो, वही बल्ब है ज़्यादा चमकेगा, तो वो हमारा 40 वाट आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक आदर्श विद्युत धारा सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और कोई करंट सोर्स है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। करंट सोर्स में रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट,
रेजिस्टेंस की वैल्यू। हाँ और अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स है, करंट सोर्स में हमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/0 मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर वोल्टेज सोर्स है आइडियल, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है ये। यहाँ पर आपको देखना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों सीरीज में 12 हो गया, 12 × 6, 12 × 6 = 72, 12 × 6 / 18, 3, 4, 4 रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 89 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक हॉट वायर जो कि 100 किलो जूल 10 मिनट तक हम सप्लाई कर रहे हैं हॉट वायर को, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर व्हेन दी करंट इज 2 एम्पियर, मतलब करंट 2 एम्पियर है तो वोल्टेज क्या होगा। तो पहली बात तो ये हॉट वायर दे रखा है, जैसे पावर जो होती है, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पावर दे रखी है 100 किलो जूल, पावर होती है वी इंटू वाई, ये हमें पता है। अब बी इंटू आई से हीट के हिसाब से हम देखें तो हीट क्या हो जाएगी, यहाँ पर वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो इसको बी इंटू आई को पी लिख सकते हैं, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इंटू टी हो जाएगी एक तरीके से, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, H/T हो जाएगी पी की वैल्यू। अब पी की वैल्यू H/T है, एच हमें दे रखा है कितना, 100 किलो जूल, तो 100 किलो जूल मतलब 10 × 10³, ये हॉट वायर है, एच की वैल्यू दे रखी है, और टी की वैल्यू दे रखी है कितना, 10 मिनट में, सॉल्व 10 मिनट तक दे रहा है ये, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 × 60, तो ये कट ही जाएगा, मतलब तो 1000 में 6 का भाग देना, सीधा सीधा 1000 में 6 का भाग देना, मतलब 500 में 3 का भाग देना है। अब हमारे पास पूछा है बी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस, बी मतलब क्या होता है, पी इंटू आई, पी आ गया हमारे पास 1000/6 या 500/3 हो सकते हैं, 500/3, और करंट की वैल्यू क्या है, 2 एम्पीयर, मतलब 6 का भाग दे देंगे, 500 में 6 का भाग दे देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी आंसर आ जाएगी, 500 में 6 का भाग देंगे तो 83.33 हमारे कोई भी वैल्यू आएगी, यही हमारा आंसर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से हॉट वायर से हमने कहाँ तक का सफ़र किया था, आपने बॉल कैलकुलेट करने तक का सफ़र तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम सेफ करंट निकालनी है जो कि 50 ओम में फ्लो हो सके, 4 वाट का हमारा रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम सेफ करंट क्या हो सकती है। तो पहली बात तो पावर जो है हमारी I² होती है, तो थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, यही चलो स्पेस हो गया है, इसी को थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं यहाँ पर। देखिए पावर क्या होती है हमारी, I² होती है, मतलब I² की वैल्यू क्या होगी, P/R होगी, P हमारी कितनी है, 4 वाट, R की वैल्यू कितनी है, 50, तो 4/50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/125, दस बटे 125 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 4 से काट दीजिए, 10/125 भी लिख सकते हैं हम इसको, 4/50 को। अभी ये आई की वैल्यू है, इसमें से आई की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट 10/125 लिख सकते हैं हम,
अब 125 पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10/5 अंडर रूट 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 2/5 हो जाएगी वैल्यू। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 0.28। तो 0.28 हमारी किसकी वैल्यू आई है, आई की वैल्यू आई है। और यहाँ पर पूछा क्या है, मैक्सिमम सेफ करंट, तो मैक्सिमम सेफ करंट तो यही है 0.028, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी हमारा अच्छा है इसका सॉल्व करने का, तो आरआरबी भोपाल के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, अभी इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में रिलेशन है, वोल्टेज और करंट के बीच में नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में रिलेशन है। मतलब कि आप इसको नॉन लीनियर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन लीनियर होता है, इलेक्ट्रिक पावर और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर होता है। ये आरआरबी मुंबई जेई के अंदर पूछा गया 2008 में क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखें एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं सर्किट के अंदर। देखिए करंट सोर्स एक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस ये पैसिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है, तो करंट सोर्स यहाँ पर हमारा एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं परपथ के अंदर या सर्किट के अंदर जो ऊर्जा सप्लाई करते हैं। एक्टिव एलिमेंट जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये है एक्टिव एलिमेंट। कुछ होते हैं पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, एनर्जी को ग्रहण करते हैं, या फिर ऊष्मा में उसको बदल देते हैं, या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर हमारे पैसिव एलिमेंट कहते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये हैं। तो जो कैपेसिटर होता है हमारा, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करने का काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। इंडक्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। और रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में बदलता है, किसमें बदलता है, हीट एनर्जी में बदलता है। तो तीनों का काम हमें पता होना चाहिए। कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, इंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, और रजिस्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्योर टेम्परेचर आयरन के लिए क्या है। आयरन के लिए जो क्योर टेम्परेचर है वो होता है 1043। तो ये लोहे का जो क्योरी तापमान है वो 1043 होता है, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। और सेल्सियस में अगर बात करें तो 243, हम 73 हम घटा देते हैं, 1073 में से 273 घटा देंगे तो 0, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ रह गए 9, 9 में 770 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेल्सियस में पूछे तो 273 डिग्री माइनस कर दीजिए कैल्विन में से, तो सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। तो सेल्सियस और कैल्विन में कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर कैल्विन फॉर द लीड बिलो विच इट्स सोर्स सुपर कंडक्टिविटी। मतलब उससे नीचे वो सुपर कंडक्टिविटी की तरह काम करता है लीड के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। तो लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 7.2 के होता है, और 7.2 के से नीचे ये क्या काम करता है, 7.2 के से नीचे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये फैक्चुअल डेटा है, मतलब फैक्ट है डायरेक्ट, आपको याद ही रहना है कि 7.2 केल्विन जो है ये लीड का क्रांतिक टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 95 नंबर क्वेश्चन।
कंडक्टिविटी का एनालॉगियस कौन सी टर्म है? कंडक्टिविटी मतलब परमेबिलिटी, कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी दोनों एनालॉगियस टर्म है। मतलब कंडक्टिविटी की जो एनालॉगियस होती है वो परमिटिविटी होती है। कंडक्टिविटी जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का गुण है और इसकी यूनिट में ओम पर मीटर होती है कंडक्टिविटी की। जबकि जो परमिटिविटी है वो हमारा मैग्नेटिक सर्किट का गुण है। किसका गुण है? मैग्नेटिक सर्किट का गुण है और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी पर मीटर होती है। किसकी? परमेबिलिटी की। और परमेबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में यह बताता है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल से वायु की तुलना में कितना फ्लक्स गुजर सकता है। मतलब कोई भी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल में एयर के कंपैरिजन में कितना फ्लक्स इससे गुजर सकता है वो हमें परमेबिलिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो बल्ब है, एक 60 वाट 250 वोल्ट बी का, एक 100 वाट 250 वोल्ट का है। दोनों कनेक्ट किए गए हैं 250 वोल्ट से रूम में। कौन सा टोटल टोटल पावर डिसिपेशन इन दिस सर्किट, सर्किट में टोटल पावर डिसिपेशन क्या होगी वो हमें निकालना है। तो देखिए पावर डिसिपेशन के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आप पावर डिसिपेशन के लिए डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है तो कैसे निकालेंगे पावर डिसिपेशन? दोनों का पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए P1 इंटू P2, क्योंकि यहाँ पर 250 वोल्ट पर कनेक्टेड है तो P1 प्लस P2 कर दीजिए। मतलब 60 इंटू, क्योंकि ये भी 250 है और 100 वाट है, ये भी 250 है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, तो ये आ जाएगा 37.5 वाट। यदि दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग सप्लाई वोल्टेज के समान नहीं है तो ये हम लागू नहीं करेंगे। मतलब कि जो 250 वोल्ट अगर नहीं रहेगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। वोल्टेज रेटिंग और सप्लाई वोल्टेज के समान होगा। मतलब ये जो वोल्टेज रेटिंग है, जैसे यहाँ पर 250 दे रखा है, यहाँ पर भी 250 दे रखा है, जो सप्लाई की जा रही है वो भी 250 है, तभी हमें इसको फार्मूले को अप्लाई करना है, अन्यथा इस फार्मूले को हमें अप्लाई नहीं करना है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दो बल्ब हैं, एक 500 वाट का, एक 250 वाट का है, रेटेड है 250 वोल्ट, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या पूछा, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? पावर आपको दे रखी है कि 500, एक की 200, और वोल्टेज भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको पता भी है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, B² / P होता है। बी स्क्वायर मतलब कि 500 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, दो वोल्ट 250 वोल्ट पर निर्धारित हैं तो 250 वोल्ट मतलब कि 250 ही आएगा ऊपर, तो B² / P रहता है, तो 20 स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आएगा तो P का ही रेशो हो जाएगा। मतलब 500 और 200 का रेशो 5:2 या 2:5 जो भी रहेगा वो आ जाएगा। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो B² / P, तो 1 P ऊपर चला जाएगा, मतलब 200 वाट ऊपर चला जाएगा, 500 वाट नीचे चला जाएगा, मतलब 2:5 आएगा। गलती से 5:2 कर दिया तो गलत हो जाएगा, 2:5 आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, इसमें 103 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम टोटल। वैसे ये देखिए, अगर लेंथ है केबल की डबल कर दी जाए तो जो प्रतिरोध है इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ हम डबल कर देते हैं? अगर लेंथ हम डबल कर देते हैं तो फार्मूला क्या है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का? फार्मूला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का R =
रो डिवाइड बाई 2 पाई L लॉग ऑफ ई आर टू डिवाइड बाई आर वन, ये फार्मूला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। मतलब आर समानुपाती है डायरेक्टली बंड बंड डिवाइड बाई एल लेंथ के। अगर लेंथ आपने डबल कर दी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? जैसे प्रतिरोध पहले आर वन था, अभी मान लो आर टू हो गया है, पहले लंबाई एल थी अभी 2L कर दी है, तो पहले 1/L थी अभी 2L कर दिया, तो 1/12, 12 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 हो जाएगी। आर वन डिवाइड बाई आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आर वन डिवाइड बाई आर टू की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? आधा हो गया, मतलब 50% रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस है आर इक्वल टू क्या है? रो डिवाइड बाई 2 पाई L है, यानी आर की वैल्यू 1/L के प्रोपोर्शनल होती है। आर की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, रो L/A के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, 1/L की वैल्यू है नीचे आ जाएगी यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो कितनी पावर डिसिपेट होगी? तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिस्टेंस है जिसका वायर 6 ओम है, लेंथ उसकी सेम वायर की इंक्रीज कर दी जाए 3 टाइम्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ 3 टाइम इंक्रीज कर दी जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा आर इक्वल टू रो L/A प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जैसे आर वन बाई आर टू आप दो सिचुएशन में निकालेंगे, आर वन डिवाइड बाई आर टू, पहले आपने आर वन निकाला तो उसका आएगा रो वन बाई रो टू, L1/L2, A2/A1 आ जाएगा इस तरीके से। मतलब ये चेंज हो जाएगा, क्या? एरिया, एरिया चेंज हो गया। मान रख दीजिए रेजिस्टेंस है वायर का 6 ओम और उसकी लेंथ 3 टाइम इंक्रीज कर दी है, 6 ओम, R2 हमें निकालना है इक्वल टू रो बाई रो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पहले लेंथ थी L, अभी लेंथ 3 टाइम इंक्रीज कर दी, मतलब 3L हो गई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले डबल कर दिया, मतलब पहले A था अभी 2A कर दिया है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। 2/3 मतलब कि R2 की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 ओम, तो R2 का मान होगा 9 ओम, हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था। और देखिए फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्या ऑफर करेगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ऑफर अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो का अपोजिट करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए 240 वोल्ट 60 वाट का लैंप है, वो वर्किंग कर रहा है, वर्किंग रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? मतलब पावर दे रखी है, बी दे रखा है, B²/P से हम निकाल सकते हैं 240 × 240 डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा 4, 240 × 4 मतलब करेंगे तो 0, 4, 6, 16, 16, 1960, 960 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, जो भी डेटा दे रखा है उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? P²/V²/P होती है, क्योंकि V² को लिख सकते हैं I²R² और P को लिख सकते हैं I²R, तो I² से I² कट जाएगा, R² में 1 R कट जाएगा, R बचेगा सिर्फ, उस हिसाब से हम ये फार्मूला डिजाइन करते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा है
मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन पास थ्रू 1.8 किलो ओम रजिस्टर रेटेड 0.5 वाट। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेफ करंट पूछा है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला था मैक्सिमम सेफ करंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम सेफ करंट निकालने के लिए आपको आई का फार्मूला पता होना चाहिए। आई होता है पी डिवाइड बाई आर, अंडर रूट पी डिवाइड बाई आर। पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0.5। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1.8 किलो ओम है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 0.5 डिवाइड बाई 1800 हो जाएगा। किलो ओम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा ये। अभी इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो 5 से काट दीजिए, 1800 को 18000 करके 5 से काट दीजिए। ये एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 या 15, 5 या 15, 5 36 1600 बार कट जाएगा ये। मतलब इसमें से 60 बार आ जाएगा, 1/60 बार आ जाएगा। 1/60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16.67 लिख सकते हैं। 16.67 आपका क्या रहेगी, मिली एम्पियर करंट रहेगी। तो मतलब 16 मिली एम्पियर के आसपास है सेफेस्ट करंट रहेगी आपकी। तो ये हमारा आंसर रहेगा, 16 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाएं और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएं, जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम में जेई के अंदर या रेलवे से रिलेटेड जो जूनियर इंजीनियर हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, इस तरीके के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हम सॉल्व करवाएंगे। तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपनी जो शैली है उसमें बदलाव कर सके। उस तरीके का आप कोई कमेंट करके बताइए। लास्ट में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको करना है वो कर दीजिए। धन्यवाद।